YouTube बहुत डाटा खाता है। आपने देखा हो कि YouTube पर आपका मोबाइल डाटा है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और बहुत जल्दी आपका YouTube जो डाटा है वो कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप YouTube में अपना डाटा बचा सकते हैं, यानी कि कुछ चीजें कुछ सेटिंग्स करके आप बहुत ही आसानी से अपना YouTube का जो डाटा है उसको बचा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको अपनी YouTube पर आ जाना है और YouTube पर आने के बाद यहां पर आप अपनी प्रोफाइल ऑप्शन में आ जाएंगे, जिसमें आपको राइट साइड में ऊपर की तरफ सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे और सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा डाटा सेविंग्स का, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपना यूट्यूब का जो डाटा है वो कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि बचा सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, डाटा सेविंग मोड ऑन कर सकते हैं, साथ में यहां पर रिड्यूस वीडियो क्वालिटी कर सकते हैं, साथ में रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, यानी कि जब भी कुछ डाउनलोड करते हैं तो उसकी क्वालिटी अगर आप कम में डाउनलोड करेंगे तो आपका डाटा कम कंज्यूम होगा। यहां पर आपको रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, रिड्यूस स्मार्ट डाउनलोड क्वालिटी भी कम कर सकते हैं, साथ में ओनली डाउनलोड ऑन ओवर वाईफाई, यानी कि वाईफाई जब ऑन हो तभी हमारी डाउनलोडिंग हो, ये ऑप्शन सिलेक्ट करके भी आप अपना डाटा बचा सकते हैं। साथ में अपलोड ओवर वाईफाई ओनली, यानी कि जो भी आप YouTube पर अपलोड करते हैं वो सिर्फ वाईफाई जब ऑन हो तभी अपलोड हो, ये भी सिलेक्ट करके आप डाटा अपना बचा सकते हैं। साथ में म्यूटेड प्लेबैक इन फीड्स, ये बहुत ज्यादा डाटा खा लेता है। प्लेबैक्स में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हमारी फीड्स चलती रहती हैं और हमारा डाटा कंज्यूम होता चला जाता है, जिसमें हम उस वीडियो को देख नहीं रहे होते हैं पर प्लेबैक में वो चलता रहता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा डाटा YouTube के थ्रू चला जाता है और हमें उसका कोई फायदा नहीं होता। तो इस ऑप्शन को जरूर आप बंद कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर सिलेक्ट क्वालिटी फॉर एवरी वीडियो, यानी कि हर एक वीडियो जो भी आप देखते हैं उसकी क्वालिटी आप खुद से सिलेक्ट करिए। इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो आपके पास जब भी कोई वीडियो ऑन होगी तो आप मैन्युअली उसका यहां पर क्वालिटी सिलेक्ट करेंगे तो आपका डाटा बचेगा। ऐसे में आप इससे ऑप्शन को ऑन कर लीजिए। साथ में मोबाइल डाटा यूजर रिमाइंडर, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है YouTube का। इसके थ्रू आप यहां पर रिमाइंडर सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको MB डालने का, यानी कि MB या GB में डालने का ऑप्शन रहता है। यहां पर आप अमाउंट डाल दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 200 MB आप डाल देते हैं। 200 MB डालने के बाद यहां पर ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपका 200 MB जब भी डाटा यूज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली YouTube आपको रिमाइंडर भेजेगा कि आपका 200 MB डाटा यूज हो चुका है। इससे आप बहुत ही आसानी से अपना डाटा बचा सकते हैं और उसको और जहां भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इस तरह से इन ऑप्शंस के थ्रू गाइज आप बहुत ही आसानी से अपना डाटा बचा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।